बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टेक आउट योर एक्सरसाइज नोटबुक इंग्लिश एंड मेंशन योर डेट, एंड टुडे डेट इज 7 दिसंबर। DECEMBER दिसंबर 2020। सेंटर में हम लिखेंगे H.W मीन्स होमवर्क। आप घर पे काम कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं H.W। देन आज का डे है मंडे, MONDAY डे मंडे। और वर्किंग डे है आपका 96, DAY डे 96। आज हम करेंगे सर्कल द नाउन एंड एक्शन वर्ड्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं CIRCLE सर्कल, THE द नाउन with, WITH with, BLUE ब्लू सर्कल द नाउन विथ ब्लू। नाउन जो है उनको हमें ब्लू कलर से सर्कल करना है। ANDY एंड ACTION एक्शन, WORDS वर्ड्स, WITH with, GREEN green, COLOUR color, then full stop, क्योंकि हमारा complete हो चुका है। circle का noun with blue, noun को हमें blue color से circle करना है और action words को हमें green color से circle करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, उसमें से आपको सॉर्ट आउट करना है। स्लिप, SLEEP स्लिप। देन BANK बैंक, इसके बीच में हम कॉमा लगा देंगे। देन हम लिखेंगे LAHORE लाहौर। देन TIGER टाइगर। मैं यहाँ पे आपको इसीलिए आपको एक लाइन में दो दो वर्ड लिखवाएँ ताकि बच्चे जो हैं वो नीट एंड क्लीन काम कर सकें। देन हम यहाँ रखेंगे वॉश, WASH वॉश। देन कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे ZAIN ZEN। देन अगेन कॉमा लगाएंगे, लास्ट लाइन में लिखेंगे हम, देन हम यहाँ लिख रहे हैं चेयर, CHEIR चेयर। देन कॉमा लगाया और यहाँ लिख रहे हैं सिट, SIT सिट। कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, तो लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। आपने देखा होगा हर वर्ड्स जो है वो मैंने स्मॉल लिखे हैं, लेकिन जैन का जेड जो है वो कैपिटल लिखा है। वो इसलिए कि ये किसी का नाम है, हम भी अपना नाम लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल होता है। अब मैंने दो कलर्स लिए हैं, ग्रीन एंड ब्लू। अब आपको नाउन में ब्लू कलर से सर्कल करना है और एक्शन वर्ड को आपको ग्रीन कलर से सर्कल करना है। सबसे पहले जो है स्लिप, स्लिप मीन्स सोना, तो ये क्या है एक्शन वर्ड्स, तो आप किससे सर्कल करना है ग्रीन कलर से। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का काम करते हैं। बैंक ये एक्शन वर्ड से नहीं, तो इसको किससे करेंगे ब्लू से। देन है लाहौर, लाहौर क्या है नाउन, तो नाउन को हमें किससे सर्कल करना है ब्लू से। देन है टाइगर, टाइगर भी जो है वो नाउन है, तो इसको भी हमें किससे सर्कल करना है ब्लू से। वॉश, वॉश मीन्स धोना, तो ये क्या है एक्शन वर्ड, तो इसको हमें किससे सर्कल करना है ग्रीन से। जैन लड़के का नाम है, नाउन है, तो इसको हमें किससे सर्कल करना है ब्लू से। चेयर, चेयर भी जो है वो चीज़ है, तो इसको भी हमें किससे सर्कल करना है ब्लू से।
सेट, सेट मीन्स बैठना, एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड को हमें किससे सर्कल करना है, ग्रीन से, ठीक है। इसी तरह नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टेक आउट योर फोनिक रीडर एंड ओपन पेज नंबर 26। द डॉग रन्स, द ऑग डॉग रन्स रन्स, द डॉग रन्स, डॉग जो है कुत्ता दौड़ा। द वेग इज इन द बैग, द वाइक वेग इज इन द बाइक बैग, द वेग इज इन द बैग। विग जो है वो नकली बालों को कहते हैं और बैग आपका बस्ता। विग जो है वो किसके अंदर है, बैग के अंदर है। द फैट कैट सेट ऑन द जेट, द फैट फैट एम एन मैन इज एट सेट ऑन द एट जेट, द फैट मैन सेट ऑन द जेट। फैट मोटा मैन आदमी, मोटा आदमी सेट बैठना, मोटा आदमी जो है वो बैठा है किस में, जेट में। जेट जो है वो तैयारी को कहते हैं, प्लेन की तरह होता है ये। इट इज़ माय हॉट बन, इट इज़ माय हॉट हॉट बन बन, इट इज़ माय हॉट बन। ये माय मींस मेरा, हॉट गरम, और बन बर्गर के हम खाते हैं तो वो किस में होता है, बन में लगा हुआ होता है, तो वो क्या है, बन। मेरा बन जो है वो गर्म है। इसी तरह आप भी जो है वो रीडिंग कीजिएगा। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेट्स डू जीके रिटन वर्क। टुडे आवर टॉपिक इज आई नो माय ABC। फर्स्ट मेंशन डेट हियर 7 दिसंबर 2020। देन राइट CW इन सेंटर। देन मेंशन डे, डे 96। Then write topic name I, capital K N O W, no M Y my, M Y my A, capital B, capital C, capital R, capital to Z, capital Z. R, four, red. S, for sun, S-U-N, sun. T, the, for tap, T, A, P, tap. U, capital, a, for, umbrella, U, M, B, R, E, L, L, A. Umbrella. We were for was the V A S E. W capital were W more for bags,
W A X Wax X capital for X R A Y X-ray. Y Y Four Y A R N Yawn That Z Four That I P Zip. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से। तो आज हम करेंगे उर्दू का काम। तो सबसे पहले आप अपनी उर्दू की कॉपी ओपन करेंगे। कॉपी ओपन करने के बाद आप लोग इस तरफ तारीख लिखेंगे, जिस दिन का काम होगा उस दिन की तारीख यहाँ लिखेंगे। बीच में जमात का काम लिखेंगे और यहाँ पर डेली प्लानिंग का डे लिखेंगे। आज हमारा कौन सा दिन फॉलो हो रहा है, दिन 96, ठीक है। और आज का हमारा काम है फेल, ठीक है। फेल क्या होता है, कोई भी काम का करना, मतलब किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। मतलब कोई भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फेल। तो आप लोग एक लाइन छोड़कर यहाँ से हेडिंग पुट करेंगे, फे आइन लाम फेल, पे रे पर फेल पर दाल अलेफ हमजा रे हे दायरा लाम गाफ अलेफ हमजा ये नून गुन्ना लगाएं, फेल पर दायरा लगाएं, ठीक है। हमें क्या करना है, जो फेल होगा उस पर क्या करना है, दायरा लगाना है। क्या लगाना है, दायरा। अब हेडिंग पुट करने के बाद एक लाइन छोड़कर नंबर एक। अब यहाँ लिखना है अलिफ मीम, मीम के ऊपर तजदीद, मीम के साथ छोटी ए अम्मी, नून बरिए ने पे हेलाम फल, अम्मी ने फल, काफ अलिफ का, टे बरिए टे काटे सकता। अब इस वाले जुमले में फेल कौन सा है, मतलब इस वाले जुमले में फेल कहाँ है। अम्मी, अम्मी फेल है, नहीं, अम्मी ये क्या है, नाम है। अम्मी ये क्या है, नाम है। ने, ने कोई काम है, नहीं। फल क्या है, फल भी एक नाम है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, काटे, काटे का मतलब अम्मी ने फल को काटा, मतलब अम्मी ने काम किया ना, काटा, ठीक है। तो यहाँ पे काटे पे हम क्या लगाएंगे, दायरा, दायरे पर क्या लगाएंगे, काटे पर हम लोग लगाएंगे दायरा। अब एक लाइन छोड़कर नंबर दो। सीन अलिफ
जीम दल साजिद नून बरिए ने साजिद ने काफ ते अलिफ बे साजिद ने किताब पे रे हे छोटिए पढ़ी साजिद ने किताब पढ़ी। अब इस जुमले में हम फेल पे धैर्य लगाएंगे। साजिद फेल है नहीं, ने फेल है नहीं, किताब फेल है नहीं, पढ़ी फेल है, ठीक है, क्योंकि साजिद ने किताब को क्या किया, पढ़ा। साजिद ने किताब को क्या किया, पढ़ा। तो पढ़ी पे हम दायरा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर नंबर तीन, मीम अलिफ लाम छोटिए माली नून बरिए ने माली ने पे वाओ दाल अलिफ पौधा लाम गाफ अलिफ लगा यलिफिया लगाया सकता। अब इस वाले जुमले में हम फेल पे दायरा लगाएंगे। माली फेल है नहीं, ने फेल है नहीं, पौधा फेल है नहीं, लगाया फेल है, जी लगाया क्या है, फेल है, क्योंकि माली ने क्या किया, पौधे को लगाया, माली ने काम किया, पौधे को क्या किया, लगाया। तो इस पर हम क्या करेंगे, दायरा लगाएंगे, ठीक है। तमाम बच्चे बिल्कुल सफाई के साथ काम करेंगे, नीट एंड क्लीन, और तमाम बच्चे अपना काम खुद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू कायदा। सबसे पहले आपने उर्दू कायदा ओपन करेंगे और सफ़ा नंबर 22 ओपन करेंगे, पेज नंबर 22 सफ़ा नंबर 22 पाएंगे। ता दा एने दाने गा गा एने गाने बा बा जा जे बाजे ता ता एर एरे तारे ता ता इल एले ताले का का इल एले काले दाने गाने बाजे तारे ताले काले अलिफ बरिए। अलिफ को जब हम सोतियात में पढ़ते हैं तो उसको आ पढ़ते हैं, आ अलिफ आ। बरिए को जब हम सोतियात में पढ़ते हैं तो इसको ए पढ़ते हैं, ए आ ए। अड़ा इन आना राना द ओ दो राना दो बा बा जा जे बाजे अला या आया लाया था आ था राना दो बाजे लाया था। अब हम आएंगे नंबर दो लाइन पे, बा बा जा जे बाजे अरा इन आना राना का ओ को द ओ दो बाजे राना को दो बाजे राना को दो। अब हम आएंगे नंबर तीन लाइन पे, ता ता ले ले ताले अरा जा अजा राजा अला या आया लाया था आ था ताले राजा लाया था। ता ता ले ले ताले अरा जा अजा राजा का ओ को द ओ दो ताले राजा को दो। अब हम दोबारा रीड करेंगे, दाने गाने बाजे तारे ताले काले आ
ए राना दो बाजे लाया था, बाजे राना को दो ताले राजा लाया था, ताले राजा को दो क्याला हफेस। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नोट ए कार्सियर एक्सरसाइज नोटबुक मैथ। नायर मेंशन डेट, नायर मेंशन सी डॉट डब्ल्यू, आप क्लास में मेंशन कर देते हैं, आप घर में काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एच डॉट डब्ल्यू मीन्स होमवर्क। नायर मेंशन डे, टुडे वर्किंग डे इज 96। वन लाइन स्किप करेंगे, सेकेंड लाइन में हम हेडिंग पुट करेंगे फ्रैक्शन एफ आर ए सी टी आई ओ एन एस फ्रैक्शंस। हेडिंग क्या पुट करेंगे? फ्रैक्शंस। वन लाइन स्किप करेंगे, सेकंड लाइन में हम ड्रॉ करेंगे पहले स्क्वायर, ऊपर वाली लाइन से आप लाइन से टच करके करेंगे लाइन ड्रॉ इस तरह से, साइड से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे भी इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड से भी लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर बन गया, अब हम अंदर भी इस तरह लाइन से टच करके वन और टू लाइन ड्रॉ करेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स। आगे वाली लाइन में हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक बॉक्स छोड़ के। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? फोर, वन टू थ्री फोर। जो हम नंबर नीचे लिखते हैं, फोर पार्ट्स है हमारे टोटल, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अब हम कितने पार्ट्स में कलर करेंगे? टू पार्ट्स में। कोई भी आप कलर पिक कर लेंगे, ब्लू कलर पिक करा है मैंने, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। आप पहले लाइन से टच करके बिल्कुल कलर करेंगे इस तरह। वन एंड नेक्स्ट नीचे वाले बॉक्स में इस तरह लाइन से टच करके कलर करेंगे। कितने पार्ट्स में हम कलर करें? टू पार्ट्स में, तो हम ऊपर टू लिखेंगे। ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटर। टू नंबर हमने ऊपर लिखा है, टू अपॉन फोर, टू अपॉन फोर नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर फोर। वन लाइन स्किप करेंगे, सेकंड लाइन में हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सेकंड लाइन में हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह ही, आड़ी लाइन डालेंगे आप यहाँ से भी और नीचे से लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर में भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, हमारा ट्रायंगल बन गया। आप कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स, वन टू। वन लाइन स्किप करके लाइन ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर के नंबर लिखेंगे टू। कितने पार्ट्स में हम कलर करेंगे? वन पार्ट्स में। ये हाफ पार्ट है ट्रायंगल का, तो उसमें हम कलर करेंगे, पूरा आप कलर फील करेंगे इस तरह। नॉमिनेटर का नंबर क्या है? वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। वन लाइन स्किप करेंगे, अब हम रेक्टेंगल का शेप ड्रॉ करेंगे। ऊपर की लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे, साइड से भी लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से भी लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे, साइड से भी लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे। अंदर की जो लाइन है उसको भी लाइन से टच करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह और फिर इस तरह। ये हमारा रेक्टेंगल का शेप बन गया। हाउ मेनी पार्ट्स आर दियर? दियर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देयर आर सिक्स पार्ट्स। वन लाइन स्किप करेंगे, लाइन से टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे। डिनोमिनेटर के नंबर हम कहाँ लिखेंगे? नीचे सिक्स, ठीक है। कितने पार्ट्स में हम कलर करेंगे? थ्री पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में हम कलर करेंगे? थ्री पार्ट्स में। वन
फिर नीचे वाले पार्ट्स में हम कलर करेंगे, टू, फिर ऊपर वाले पार्ट्स में कलर करेंगे, थ्री। कितने पार्ट्स में हमने कलर करा? थ्री। तो हम नोमिनेटर का नंबर क्या लिखेंगे? थ्री, थ्री अपॉन सिक्स, थ्री अपॉन सिक्स। आप भी इसी तरह लाइन से टच करके काम करेंगे, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कलर फील करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, डे 96 में हम पढ़ेंगे घर में दाखिल होते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। तर्जमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे अंदर आने और बाहर जाने की भलाई तलब करती हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे अंदर आने और बाहर जाने की भलाई तलब करती हूँ। प्यारे बच्चों, डे 96 में अरबी में हम पढ़ेंगे शुरू सना। अक्टूबर अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर। नवंबर नवंबर, नवंबर नवंबर, नवंबर नवंबर। दिसंबर दिसंबर, दिसंबर दिसंबर, दिसंबर दिसंबर। उम्मीद रखती हूँ तमाम बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा और उम्मीद रखती हूँ कि तमाम बच्चे अच्छी तरह याद भी करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।